हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी। आप देख रहे हैं रीजनिंग और आज हम जिसका चैप्टर देखने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर हम उसे हिंदी में गणितीय संक्रिकाएँ भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप हमसे यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर जुड़ जाइए और अपने मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड आप सारे जितने भी डाउट्स हैं वहाँ ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट से हम शुरू करने वाले हैं। आपको पता है हमारे एक वीडियो में कॉन्सेप्ट सबसे पहले देख रहे हैं, और यहाँ आप जैसे कि जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमारा चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट होगा क्या। तो देखिए, मैथ्स से रिलेटेड अगर एक कोई क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले भाई गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, ये सारी चीज़ें लगेगी ना। तो उसके लिए हम एक जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करने वाले हैं, और वो है बोर्ड मास। ठीक है, आप सभी को आता होगा, आप अच्छे से जानते होंगे सभी बोर्ड मास को। तो बोर्ड मास को यूज़ करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। बोर्ड मास को कैसे यूज़ करना है, बी से आ जाएगा आपका ब्रैकेट, ओ से आ जाएगा ऑफ, डी से आ जाएगा डिवीज़न, एम से आ जाएगा मल्टीपल, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ए से आ जाएगा एडिक्शन, और एस से आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ मतलब सबसे पहले आपको बोर्ड मास के हिसाब से चलना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, तीनों में से कुछ कोई से भी ब्रैकेट हो, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। ऑफ इसको रहने दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। डिवीज़न, तो देखिए डिवीज़न अगर करना है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है भाग का, तो ये करना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लिकेशन मतलब सामने दिख रहा है, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, एडिक्शन लिख रखा है मतलब आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, और फिर आपको करना पड़ेगा माइनस, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, फिर भाग, गुणा, प्लस और माइनस। ठीक है, ये इस क्रम में चलेगा। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसके साथ हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में जितने भी कंसेप्ट आपके क्लियर होने हैं वो वहीं हो जाएंगे सीधे। चलिए पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 18 - 6 + 8 × 4 का मूल्य क्या होगा। देखिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, 18 - 6 / 8 × 4। अभी जस्ट हमने देखा बोर्ड मास, BODMAS, ठीक है, बी फोर ब्रैकेट, डी फोर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिक्शन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो ये गया। डी से आ जाएगा डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 18, अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एक काम कीजिए इसको बटे में लिख दीजिए, ये भी डिवाइड ही कहलाता है। इंटू फोर लिखा हुआ है, देखिए कट जाएगा इसलिए मैंने बटे में लिखवाया। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 2 × 3 = 6, कट गया, मतलब आया क्या 18 - 3। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, 18 में से 3 घटाओ आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप 18 में से 3 घटाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 जाएगा तो 15, ठीक है 15। और अगर आप यहाँ देखिए तो ऑप्शन में 22, 6, 8 और 4 दे रखा है, तो क्या इन चारों में से आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाला, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 15 आपका आंसर आ रहा है, 15 और 3 होते हैं 18। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका आंसर नहीं है तो लास्ट वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है यहाँ पर, कि यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ अगर प्लस हो तो इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए इसको साइड में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का गुणा, भाग का अर्थ यहाँ से माइनस, और गुणे का अर्थ जो है यहाँ पर बताया गया है प्लस। तो चलिए आप क्या करेंगे, आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, 8 + 6 / 4 - 7 × 3 = ? ठीक है, तो प्लस को इसने क्या कहा है भैया, तो प्लस को कहा है भाग, मतलब 8 / 6। ठीक है, आगे डिवाइड, तो डिवाइड को क्या कहा है भैया, तो डिवाइड को कहा है माइनस, मतलब -4। माइनस को इसने कहा है इनटू, मतलब इनटू 7, और इनटू को मतलब मल्टीप्लाई को इसने कहा है प्लस, तो 7 + 3 = ? यह सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से अगर हम चलें, जस्ट हमने बोर्ड मास देखा था, तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट था, तो यहाँ कोई ब्रैकेट तो है नहीं भैया। उसके बाद अगर देखें तो डिवाइड है, तो डिवाइड कर दीजिए, 8/6 लिख दीजिए, -4 × 7 + 3 = क्या होगा,
तो इसको कट कर दीजिए, 2 3 6, 2 4 8, मतलब 4/3 माइनस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 7 6 होता है 28 प्लस 3 बराबर वाट। ठीक है, चलिए अगर आगे मैं बात करूँ तो 4/3, और यहाँ अगर देखें तो माइनस का 28 और प्लस का 3 है, तो माइनस में से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 28 में से 3 गया तो यहाँ कितना कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो यहाँ 3 नीचे है, मतलब कुछ नहीं, 4 आएगा, और 25 या 75 होता है। अब 75 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, देखिए बड़े माइनस की संख्या इसलिए माइनस का 71/3। ठीक है, एलसीएम लेता आता होगा आप लोगों को, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर आपका हुआ माइनस का 71/3, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हुआ। ठीक है, आया समझ में? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ भाग, देखिए क्या कहा है कि प्लस का अर्थ अगर भाग देना हो, और भाग का अर्थ अगर गुणा करना हो, गुणा का अर्थ अगर घटाना हो, और घटाने का अर्थ जो है वो जोड़ना हो, तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा जो है करेक्ट होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर अब चारों के चारों ऑप्शन जो है चेक करने पड़ेंगे कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड पे चले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पे मैं हमेशा डिवाइड की ओर जाता हूँ सबसे पहले, और मल्टीप्लाई की तरफ। डिवाइड जो है वो आपको करेक्ट बता देता है। देखिए यहाँ पर 18/6 दे रखा, मतलब 6 3 18, ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ अगर आप देखें तो 6/7 दे रखा है, तो अगर इसको आप डिवाइड करना चाहेंगे तो देखिए 6/7 लिखने के बाद भी गुणा 5 करेंगे तो कटेगा कहीं से भी नहीं, मतलब यहाँ पर 18 तो नहीं आ सकता, एक छोटी सी कंडीशन में मान रहा हूँ, मतलब ऑप्शन नंबर 2 गलत। यहाँ अगर देखें तो 7/6 और आसपास में कहीं गुणा है नहीं, मतलब 3rd वाला ऑप्शन भी नहीं आ सकता। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 18/6, मतलब थोड़ी सी संख्या जो है छोटी हो सकती है। तो चलिए मैं ऑप्शन नंबर 1 कर रहा हूँ पहले, और फिर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 कर दूंगा। ठीक है, तो 18/6 दे रखा है, सॉरी शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने डायरेक्ट करवा दिया, मैंने देखा नहीं कि भाग को भी मानना है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि प्लस का अर्थ भाग होता है, मतलब प्लस मतलब यहाँ पर भाग लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका भाग यहाँ लगेगा, प्लस मतलब भाग यहाँ लगेगा, और प्लस मतलब भाग यहाँ लगेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखिए इन दोनों का अगर भाग करें तो क्या भाग होगा, 7/5 हो जाएगा गुणा 2, तो ये 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं इसको, फर्स्ट वाला गलत कर देता हूँ। यहाँ अगर भाग लगेगा तो इसका बिल्कुल पूरी तरह हो जाएगा, इसको तो करेक्ट कर देते हैं। 3rd वाले ऑप्शन को अगर मैं देखूँ तो 6/7, और फिर यहाँ पर भाग की जगह गुणा, मतलब 6/7 गुणा 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी गलत, और 4 हो सकता है। 4 कैसे हो सकता है, तो देखिए आप यहाँ पर 7/5 आ जाएगा, जी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ से तो मुझे एक ही करेक्ट लग रहा है, और वो ऑप्शन नंबर 2, फिर भी मुझे करके देखना पड़ेगा उसे। 18/6, और भाग को इसने कहा है गुणा 7, गुणा को कहा है -5, और माइनस को कहा है +2। तो देखिए 6 3 18, और यहाँ गुणा -5 +2, तो 7 3 21, -5 और +2, तो देखिए 21 और 2 कितने हो गए भैया, तो 21 और 2 हो गए आपके 23 -5, 23 में से 5 जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 18। देखिए अभी यही तो आपका करेक्ट हुआ था ऑप्शन नंबर 2, और फिर से आपका करेक्ट आंसर यही आया, मतलब आपका केवल करेक्ट आंसर कौन सा होगा इस विधि से करने पर, आपका केवल 2nd वाला। अब देखिए आप कहेंगे कि जब सर पहले ही पता था आपको, तो पहले ही टिक कर देते, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया, आप यहाँ डायरेक्ट सोल्व इसीलिए करेंगे क्योंकि आपके पास इतना करने का टाइम नहीं होगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले भाग पर जाइए, देखिए यहाँ 7/5 का भाग जा नहीं रहा था इसलिए इसको मैंने कट कर दिया। यहाँ बहुत सी बार ऐसा भी होगा कि वो नहीं जाएगा बट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ हमें चारों समीकरण सोल्व करना पड़ेगा, बट जहाँ ये ऐसा आ जाए वहाँ एक ही करना पड़ेगा ना, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यदि प्लस को हैज द्वारा, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस को जो हैज द्वारा, स्टार को जो है गुणा के द्वारा, ठीक है नहीं कुछ गलत हुआ है, भाग को जो है यहाँ पर स्टार के द्वारा, फिर गुणा को जो है यहाँ पर एट द रेट के द्वारा, और माइनस को जो है यहाँ पर डॉलर के द्वारा दर्शाया जाता है, तो आपको ये वाले क्वेश्चन का हल करना है। देखिए $40 20 @40*20 has 38, तो चलिए सबसे पहले दे रखा है डॉलर, तो डॉलर भैया आपको पता है कि माइनस दर्शा रहा है, मतलब 40 - 20, एट द रेट आपका गुणा दर्शा रहा है, मतलब into 2, हैज़ आपका जो है वो प्लस को दर्शा रहा है, तो प्लस 40,
स्टार जो है वो आपके यहाँ पर भाग को दर्शा रहा है, मतलब यहाँ पर भाग 20, और हैज़ फिर से आ चुका है जो कि प्लस को दर्शा रहा है, इसलिए प्लस का 38। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड मास देखेंगे, और बोर्ड मास में यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट तो है नहीं इसलिए डिवाइड पर जाएंगे, तो यहाँ 40 में 20 का डिवाइड करेंगे, तो चलिए 40 में 20 का डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? उससे नहीं पड़ने वाला, इसलिए साथ में मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइड के जस्ट बाद मल्टीप्लाई है, तो 40 माइनस 2 × 2 = 4, मतलब यहाँ भी 40, और प्लस का यहाँ पर कितना बच जाएगा 20, क्योंकि 40 में 20 का मैंने भाग दे दिया। ठीक है, और प्लस का आ जाएगा आपका 38। अब अगर आप देखें तो ये प्लस का और ये माइनस का कट हो चुका है, 38 और 20 कितना हो जाएगा भैया? तो देखिए 38 और 20 आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 = 5, मतलब ये हो गया आपका 58। क्या आपका कहीं 58 करेक्ट आंसर में आ रहा है? तो आप देखेंगे तो यहाँ कहीं भी करेक्ट आंसर में 58 नहीं आ रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो फिफ्थ वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एट द रेट का अर्थ गुणा, यहाँ पर सी ऊपर ऊपर जो है सर्कल बना हुआ है, इसका अर्थ अगर भाग, और यहाँ पर परसेंटेज का अर्थ जो है प्लस दे रखा हो, तो डॉलर का अर्थ यहाँ पर माइनस दे रखा हो, तो आपको ये वाली क्वेश्चन और ये वाली समीकरण जो है वो सॉल्व करनी है। तो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एट द रेट को गुणा सी के ऊपर ऐसा सर्कल, तो इसको भाग, परसेंटेज को यहाँ पर प्लस, और डॉलर का साइन जो है इसमें यहाँ पर माइनस दे रखा है। ठीक है, तो चलिए 6 यहाँ पर ये अब डायरेक्ट करेंगे हम, थोड़ा सा ये दे रखा है परसेंटेज का सिंबल, मतलब प्लस आ जाएगा भैया। 12 सी दे रखा है, मतलब यहाँ पर भाग आ जाएगा 3, फिर एट द रेट मतलब गुणा आ जाएगा, फिर 8 डॉलर मतलब माइनस आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर समीकरण ऐसी बनेगी। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड होगा, तो 4 × 3 = 12 होता है, मतलब 4 आ जाएगा गुणा 8 − 3। ठीक है, फिर गुणा होगा, तो भैया 8 × 4 कितना होता है? तो 8 × 4 होता है यहाँ पर 32 − 3, फिर आपका हो जाएगा बोर्ड मास के हिसाब से पहले जोड़ होगा फिर घटाव होगा, तो 6 × 2 = 8, मतलब 38 − 3, करेक्ट आंसर आपका 35। ठीक है, 38 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 35, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पी का अर्थ से विभाजित किया गया, देखिए क्या लिखा है, पी का अर्थ जो है विभाजित किया गया, आर का अर्थ गुणा किया गया। पी का अर्थ विभाजित किया गया मतलब भाग, आर का अर्थ गुणा किया गया मतलब गुणा, टी का अर्थ जोड़ किया गया मतलब टी को प्लस, और डब्ल्यू का अर्थ घटाया गया मतलब माइनस। ठीक है, ये वाला यहाँ पर बन गया है, तो 60 टी दे रखा है मतलब प्लस, 48 पी दे रखा है मतलब भाग, 8 डब्ल्यू दे रखा है मतलब माइनस, और यहाँ पर 6 आर दे रखा है मतलब यहाँ गुणा 9। ठीक है, बराबर में क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 8 × 6 = 48 होता है, पहले डिवाइड कर दीजिए, तो 6 आएगा भैया, माइनस 6 गुणा 9, उसके बाद गुणा होगा, तो भैया इन दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो 9 × 54 होता है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, और माइनस का 54 जो है माइनस का, तो देख एक काम कीजिए, 60 और 6 को जोड़ लीजिए, तो बचेगा 66 − 4, मतलब इनको घटा दीजिए, तो 6 में से 2 गया तो 2, और 6 में से 5 गया तो 1, मतलब कितना बच रहा है, 12, आपका आंसर करेक्ट ए वाला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि इस सिंबल का अर्थ प्लस हो, इस सिंबल का अर्थ माइनस हो, इस सिंबल का अर्थ यहाँ पर भाग हो, और इस सिंबल का अर्थ अगर गुणा हो, तो आपको इस सिंबल का अर्थ देखिए एक और दे रखा है कि बराबर हो, तो कौन सा सही होगा? चलिए आप अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले मैं भाग वाले की बात करता हूँ, तो आप यहाँ चले जाइए इसके पास। ठीक है, ये वाला सिंबल जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पर भाग होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भाग होना चाहिए, यहाँ पर भाग होना चाहिए, और यहाँ पर भी भाग होना चाहिए, तो देखिए 43 लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, 43 / 6 लिखा है, मतलब क्या इसका भाग हो सकता है क्या? यहाँ देखिए सबसे पहले तो 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42 नहीं होगा भैया, मतलब आपका फोर्थ वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, कट गया। ठीक है, क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा है ना भैया, भाग ही नहीं जा रहा है, तो क्या बराबर में आप 4 ला सकते हो? नहीं ला सकते। चलिए बचे 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन को जल्दी से करके देख लेते हैं। पहला वाला करेंगे, तो देखिए नीचे वाला जो सिंबल है उसका अर्थ बताया है गुणा 5, ये वाले सिंबल का अर्थ -6, इसका अर्थ यहाँ पर +2 और = 6, यही दे रखा है। तो देखिए 5 × 2 = 10, और यहाँ 10 × 2 = 12 हो जाएंगे, 12 में से 6 जाएगा तो बिल्कुल 6, बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं सेकेंड वाला करके एक बार आपकी तसल्ली के लिए, 5 यहाँ पर +7, और यहाँ इसका अर्थ है -4, यहाँ पर आ जाएगा ÷ 2 = 3, तो देखिए ये इन दोनों का भाग तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 7 और 5 अगर देखें तो यहाँ आ जाएगा 5 × 5 = 10 और 2 = 12, 12 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा भैया,
12 में से अगर 2 गया तो यहाँ 10 बचेगा, और वहाँ पर बता रहा है 3 आना चाहिए, तो नहीं भैया सेकंड वाला तो गलत हो चुका है, ठीक है फर्स्ट वाला करेक्ट हो चुका है, और इसको अगर करके देखना है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं वो गलत ही होगा क्योंकि आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आ ही चुका है। नीचे की तरफ है मतलब क्या आएगा, गुणा आएगा 6, ठीक है, फिर यहाँ पर भाग आएगा आपका, और ये वाला सिंबल प्लस का है, ये वाला जो सिंबल है माइनस का है, बराबर आपका 5 आना चाहिए। तो देखिए 36 18, सॉरी 18 नहीं, यहाँ भाग होगा ना पहले, 2 2 3 6 और 3 3 9, ठीक है 9 प्लस 3 माइनस 6, तो यहाँ अगर आप देखें तो 9 और 3 12 हो जाएंगे, और 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, 5 नहीं बचेगा, इसलिए ये वाला भी गलत। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। सारे के सारे करने की ज़रूरत नहीं थी, जब हमको पता चल गया कि फर्स्ट वाला ही करेक्ट आ रहा है तो करेक्ट वही हो जाता, बट मैंने एक बार जानबूझ के सारे करके दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनना है। देखिए यहाँ पर समूह दे दिए हैं, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सही समूह को चुनना है। तो यहाँ तो सबसे पहले आप भाग के पास जाइए, क्योंकि आपको समीकरण दे रखी है भैया, उस समीकरण को सोल्व होना ही चाहिए इन इन यहाँ पर संकेतों से। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले में भाग अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो 4 चौक 16 पूरी तरह भाग चला जाएगा, और 4 आने के बाद -5 मतलब -1, ठीक है, तो -1 इधर आ रहा है तो क्या उधर भी -1 आ रहा है, तो आप बराबर करेंगे और 14 गुणा अगर 6 करेंगे तो यहाँ तो आपका फर्स्ट वाला हो चुका है गलत, क्योंकि इधर बराबर से इधर -1 आ रहा है, और बराबर से उधर जो है 14 में 6 का गुणा करोगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गलत। चलिए नेक्स्ट वाले सेकेंड पे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ गुणा, चलिए पहले मैं डिवाइड की बात कर रहा हूँ तो डिवाइड पर आ जाते हैं, पहले वाला जो है डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ गुणा आना चाहिए, यहाँ बराबर और यहाँ प्लस आना चाहिए, तो चलिए यहाँ आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और 4 5 20, क्या 16 में 16 और सॉरी 14 और 6 को जोड़े तो भी 20 आएगा, तो जी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो चुका है, ठीक है। करके देखना है तो इसको सोल्व कर लीजिए, बाकी सबको करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ मैंने इसको सोल्व कर दिया है यहाँ पर। चलिए क्या करेंगे, 16 भागित 4 मतलब 4 चौक 16, और यहाँ 5 का गुणा होगा, 14 और 6 कितना होता है भैया, तो आप सभी जानते हैं 20 होता है, और 5 चौक भी 20 होता है, तो 20 इज इक्वल टू 20 मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, ठीक है, बाकी को करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसीलिए कहा था सबसे पहले डिवाइड को चेक कर लो, डिवाइड जहाँ होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर क्या आएगा, फिर से वही बात आ गई, डिवाइड को चेक करो, तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ फर्स्ट वाले में डिवाइड दे रखा है, तो अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड करूँ और नेक्स्ट वाले में अगर मैं प्लस कर दूँ, तो सबसे पहले तो ये इसका पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, और अगर पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है तो फिर हो सकता है यहाँ पर कुछ दिक्कत हो, ठीक है, फिर भी मुझे करना तो पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा समीकरण बनने वाला है आपका, ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, सॉरी मैंने 2 से कर दिया, इसको आप काम कीजिए 5 से कर दीजिए, तो देखिए 5 एकम 5 बचा 1 मतलब 5 3 15, और यहाँ आ जाएगा आपका 5 8 40, 13 बटा 8 और प्लस 11 बराबर 36 ला सकते हैं क्या, तो कभी नहीं ला सकते, तो इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट भी आपको बता सकते थे कि वहाँ कट नहीं रहा था, बट मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एक बार चेक जरूर किया जाए। चलिए अब यहाँ डिवाइड एक और बच रहा है, तो क्या मैं यहाँ बीच में डिवाइड कर सकता हूँ, 11 में 40 का भी डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत, तो बच कौन सा रहा है, तो एक काम कीजिए दोनों को ही रख लीजिए, 65 माइनस 40 प्लस 11 इज इक्वल टू 36, क्या ये आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 2 25 और 11 कितने होते हैं, तो 5 और 1 6 2 और 1 3, देखिए 36 बराबर 36 ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है, जहाँ तक लगे वहाँ तक ये डिवाइड वाली जो ट्रिक है वो लगाएं, और अगर वो नहीं लग रही है तो फिर आपको किसी ने एक एक ऑप्शन का मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि यदि डिवाइड का अर्थ बराबर 2 तथा 3 का स्थान परस्पर बदल दें, देखिए क्या कहा है कि भाग तथा बराबर और 2 तथा 3 का स्थान मतलब भाग और जो बराबर है उन दोनों का स्थान और 2 और 3 का जो स्थान है वो चेंज कर दिया जाए, भाग की जगह ये आ जाए, इसकी जगह ये चला जाए, 2 की जगह 3 चला जाए, 3 की जगह 2, तो क्या कहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, तो चलिए भैया कर देते हैं भाग और बराबर, ठीक है, तो आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो इनमें भाग और बराबर का ही है, तो मैं फर्स्ट वाला लेके करना चाहता हूँ, 5 ऐसा कि ऐसा रहेगा, भाग यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि मेरे को बराबर की जगह भाग लगाना पड़ेगा, और भाग की जगह अगर बराबर में लगाऊं तो यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 भागित 15 ले रखा है भैया, और 15 में 5 का भाग जाएगा क्या, 15 में 5 सॉरी 5 में 15 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए गलत,
अगर यहाँ ये दे रखा है तो देखिए 5 बराबर 15, और यहाँ पर आ जाएगा बराबर की जगह मुझे क्या करना है भैया, भाग लगाना है, तो भाग 3, ठीक है। बट 3 की जगह इसने कहा कि 2 को रखना है, तो यहाँ भी ये भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपका ये वाला भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत। यहाँ इसकी बात करते हैं, 3 की जगह 2 रखना है और बराबर की जगह मुझे भाग रखना है 5, और यहाँ पर भाग की जगह बराबर, मतलब ये। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो इसका भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, मतलब ये भी गलत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 5 भागित 15 ये भी नहीं हुआ, इज इक्वल टू 2, ये आया क्या? तो यहाँ आप देखें तो ये भी नहीं आया, मतलब यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपने रख के देख लिए बट आ नहीं रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीचे दी गई जानकारी में प्लस और डिवाइड और 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो देखिए 12 को 18 की जगह रखना है, 12 का जो चेंज होगा वो 18 से होगा, और डिवाइड का जो चेंज होगा वो प्लस से होगा, ठीक है। तो देखिए उन इनमें से मैं सारे ही क्वेश्चन, सारे ही समीकरण को, मतलब सारे ही ऑप्शन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, 90 गुणा, तो गुणा तो मेरा चेंज होगा नहीं, 18 चेंज हो जाएगा 12 की जगह, ठीक है। और प्लस जो है वो भाग की जगह चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ भाग 18 फिर से 12 की जगह चेंज, और आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बराबर की जगह क्या आ जाएगा, 60। तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे और 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग देने पर क्या आएगा? तो देखिए अब भैया इन दोनों का गुणा भी कर दो, गुणा करने के बाद आपको देना तो इसी से भाग है, किससे, 12 से। तो एक काम कीजिए ना भाई, जब 12 से ही भाग देना है तो बटा में 12 लिख दीजिए, और 12 से 12 कट गया तो बचा कितना, 90, और 90 बराबर यहाँ पर 60 हो रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए तो जो है वो गलत हो चुका है, ठीक है। तो ए को मैंने गलत कर दिया। चलिए अब मैं सेकेंड वाले को करता हूँ। तो 18 दे रखा है बट 18 तो मेरा चेंज हो जाएगा 12 से, तो प्लस मेरा जो चेंज होगा वो भाग से होगा, मतलब यहाँ पर ये वाली समीकरण, भाग प्लस से चेंज होगा और 12 18 से चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और 6 प्लस 18, क्या 6 प्लस 18 जो है वो 2 को लाएगा? तो यहाँ अगर आप देखें तो 6 प्लस 18 2 नहीं बनता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड भी यहाँ पर गलत हो चुका है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑप्शन नंबर थर्ड पर आता हूँ। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो 72 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 12 को 18 से चेंज करना है, गुणा ऐसा कि ऐसा रहेगा, 12 की जगह 18 और 72 ऐसा कि ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भाग की जगह अगर आप देखें तो भाग यहाँ चेंज होके क्या आ जाएगा, अब प्लस लग जाएगा, क्योंकि ये भाग है और भाग को आपको प्लस में चेंज करना है। तो 2 और 2 4, 7 और 1 8, मतलब 84 गुणा 12 करेंगे तो क्या 72 को ला देंगे? नहीं भैया, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये भी गलत हो चुका है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत। चलिए बचा एक है, ऑप्शन नंबर ओनली एंड ओनली 4। तो 12 प्लस 6 दे रखा है तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, गुणा दे रखा है तो गुणा तो होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 आना चाहिए भैया, सॉरी 36 आना चाहिए। तो 6 दुआ 12, 2 गुणा 18 बराबर 36, अगर देखें तो 18 दुआ 36 ही तो होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप लॉजिक लगा सकते थे सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर, मैंने एक एक ऑप्शन सोल्व किया, आप ऑप्शन को ना सोल्व करके सिर्फ इस डिवाइड को लेते, ठीक है। पूरा मैंने ऑप्शन से सोल्व करवाया, अब ट्रिक बता रहा हूँ कि इस डिवाइड को ले, डिवाइड जहाँ दिख रहा है, डिवाइड और प्लस का चेंज होगा तो जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। ये एक लॉजिक है, जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ डिवाइड लगा दीजिए, और जहाँ डिवाइड दिख रहा है वहाँ प्लस लगा दीजिए। अगर ये दोनों ही सक्सेस हो गए तो आगे आपका क्वेश्चन वही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है जिससे रिलेटेड आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो इस आई होप इस वीडियो में अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, शायद मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, और वो कैसा बनता है देखिए, वो कुछ ऐसा बनता है कि डी ओ जी इज इक्वल टू 12 और सी ए टी इज इक्वल टू यहाँ पर 18 दे रखा है, तो आपको बोल दिया भैया कि टी आई जी आर या फिर जो भी बता दिया इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है। तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही कोई ज़्यादा दिमाग इनमें दौड़ाना नहीं है आपको। डी का नंबर, ओ का नंबर, जी का नंबर लेना है, सी ए और टी का देखना है, अगर उनका गुणा हो रहा है तो ठीक, प्लस हो रहा है तो ठीक, माइनस हो रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इनके अपोजिट नंबर देखेंगे या फिर इनके आगे पीछे वाले किसी नंबर को प्लस माइनस करवाएंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक है, मैं बताऊँगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ अगर मैं बताने जाऊँगा तो आप कहेंगे कि भैया इतना टफ भी होता है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो ये टाइप मैंने इसमें छोड़ दिया है, बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मुझे जरूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।